हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस वर्क के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानना ज़रूरी है। इज इट ओके? तो चलिए जानना शुरू करते हैं। आपने देखा था कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हम निकाल चुके हैं, एक नया फॉर्मूला। एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू फॉर्मूला द वर्क डन वैल्यू इज F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इज इट ओके? F क्या है यहाँ पर? F है यहाँ पर फोर्स अप्लाइड, और S क्या है यहाँ पर? S इज द डिस्टेंस कवर्ड, और कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच वी हैव टू नो इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, जो हम बाद में जानेंगे। इज इट ओके? तो कॉस थीटा की आपने तीन वैल्यूज याद करी थी। वैल्यूज तो देखो हर एंगल की होती है, थीटा 0 डिग्री होगा तो वैल्यू अलग होगी, थीटा 30 डिग्री होगा तो वैल्यू अलग होगी, 45 डिग्री होगा तो वैल्यू अलग होगी, 90 डिग्री होगा तो अलग होगी, 180 होगा तो अलग होगी। तो वैल्यूज़ तो बहुत सारी होती हैं, पर उनमें से तीन वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लर्न करी थी। और जो तीन वैल्यूज़ आपने लर्न करी थी, उन तीन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर दोबारा से आपके सामने लिख देती हूँ। देखिएगा ध्यान से, जो वैल्यूज आपको याद रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वैल्यू है कॉस 0 डिग्री की। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई गई थी आपको? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी 1। फिर जो सेकंड वैल्यू है वो है कॉस 90 डिग्री की, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी बताई गई थी? 0। जो थर्ड वैल्यू है वो है कॉस 180 डिग्री की, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमने कितनी जानी थी? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमने जानी थी -1, है ना? चलिए, तो इस हिसाब से इन कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 टाइप के फोर्सेस जाने थे। वर्क डन को हमने स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद, हम तो ये बोलते हैं ना कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ओनली दे मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो, पर बात यहाँ पर अगर वर्क डन की जाए तो वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद जो वर्क डन है इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव एंड मे बी ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और ज़ीरो भी हो सकती है। इज इट ओके? तो जो सबसे पहले वर्क डन हमको जानना है थोड़ा सा डिटेल में, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन हम जानेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव वर्क डन। वन बाय वन हम मूव करेंगे। इज इट ओके? तो पहले हम पॉजिटिव वर्क डन का डिस्कशन करते हैं, देन वी विल डिस्कस द नेगेटिव वर्क डन, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द जीरो वर्क डन, राइट? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पॉजिटिव वर्क डन। आप किसकी जानने जा रहे हैं वैल्यू? एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल्स जानने जा रहे हैं। और देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि पॉजिटिव वर्क डन कौन कौन से केसेस में होता है। जैसे मैंने वहां पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू लिख रखी है 1, कुछ और भी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से, कुछ और वैल्यूज को भी आप याद रखें, ऐसा जरूरी तो नहीं है, पर हाँ जान ले तो बढ़िया हो जाएगा आपका काम। तो कौन कौन सी वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार जान लीजिए। जैसे आपने देखा कि कॉस 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर कॉस 30 डिग्री होगा तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली अगर कॉस 45 डिग्री होगा तो वैल्यू होती है 1/√2। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर कॉस 60 डिग्री होगा तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इज इट ओके? तो आप इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। वी विल नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, राइट? हाँ जी, तो आपने ये वैल्यूज नोट डाउन कर ली होगी, और इन वैल्यूज के साथ में हम क्या जानने जा रहे हैं? पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल्स जानने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो भी कॉस 0 की वैल्यू पॉजिटिव है,
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो भी कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो भी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो भी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब इन सारे केसेस में किया गया वर्क डन कैसा होगा? इन सारे केसेस में किया गया वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा। इज इट ओके? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपने ये वैल्यूज नोट डाउन कर ली होंगी। अब नोट डाउन करने के बाद में चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करते जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं इसके पॉजिटिव वर्क डन के। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में ये पर्टिकुलर ब्लॉक रखा है एंड द मास ऑफ दिस ब्लॉक बी एम। कितना मान लिया हमने इसका मास? स्मॉल एम मान लिया। इस स्मॉल एम आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, दोबारा लिख देती हूँ। अब आपने इस एम ब्लॉक के मास पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? एफ। इज इट ओके? और इस एफ फोर्स से इस बॉडी ने इस एस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लिया। इज इट ओके? तो इन दिस केस अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप थीटा की वैल्यू कितनी बताएंगे? आप थीटा की वैल्यू बताएंगे 0 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में? और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा आपका इस केस में? एफ इंटू एस। एंड दिस वर्क डन विच इज एफ इंटू एस गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। आपको कैसा वर्क डन मिल गया इस केस में? इस केस में आपको मिल गया पॉजिटिव वर्क डन। आ गई बात समझ में? तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। इस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? इस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। इज इट ओके? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पॉजिटिव वर्क डन का हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके? हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब नोट डाउन करने के बाद में एक क्वेश्चन है विच इज अगेन एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो उस क्वेश्चन की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वर्क डन आफ्टर यूजिंग ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू राइट इट यू कैन। मैं बोल रही हूँ क्योंकि डिक्टेट करा रही हूँ। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार, मतलब क्या गिवन है आपको यहाँ पर? आपको यहाँ पर गिवन है ये टॉय कार। ये टॉय कार मैंने बना दी है। इज इट ओके? दिस इज अ टॉय कार। क्वेश्चन इज अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इज इट ओके? मतलब ये जो टॉय कार है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर मूव कर रही है, और मूव करते करते जो डिस्प्लेसमेंट इस टॉय कार के थ्रू कवर किया गया है दैट इज ऑफ 10 मीटर्स। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है? 10 मीटर्स। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब जो चाइल्ड का हैंड है, जो चाइल्ड इसको पुल कर रहा है, उसका हैंड जो है, ये हैंड अपन थोड़ा ऊपर बना देते हैं, as it need this angle of 60 degree. Is it okay? तो मैं दोबारा से repeat कर रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। The string held in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal floor.
इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस बच्चे के थ्रू यहाँ पर, वो कितना फोर्स है? 5 न्यूटन का फोर्स है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर? वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैं सिचुएशन आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर देती हूँ। दिस इज अ टॉय कार, दिस इज अ बॉय विच अप्लाई अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन दिस टॉय कार एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इज इट ओके? एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस टॉय कार द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉय कार इज गिवन हियर, दैट इज 10 meters, इज इट ओके? नाउ व्हाट हैज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन विच इज डन बाय द बॉय इन पुलिंग दिस पर्टिकुलर टॉय कार, इज इट ओके? तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एंड नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू, एफ कितना दे रखा है यहाँ पर? 5 न्यूटन। और डिस्टेंस कवर्ड कितना दे रखा है? 10 मीटर। मैं आपको रिमाइंड कराना भूल गई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, पर इस बात को आप कभी मत भूलिएगा दैट बिफोर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल वी हैव टू चेक द यूनिट्स ऑफ द क्वेश्चन दैट ईच एंड एवरीथिंग इज शुड बी इन द सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन द SI यूनिट, सो दिस डिस्टेंस कवर्ड शुड ऑल्सो बी इन द SI यूनिट्स। आ गई बात समझ में? चलिए देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉस थीटा की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे 60 degree, इज इट ओके? डू यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस 60? येस, अभी अभी आपने नोट डाउन करी थी बोर्ड पर से, तो जरा चेक कर लीजिए अपने रजिस्टर में। आई होप आपने वैल्यू लिख ली होंगी। तो दिस इज 5 × 10 इंटू कॉस 60 degree की वैल्यू मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, दिस इज 1/2। इस 1/2 के 2 को आप कैंसिल कर देंगे और ये आंसर आपको मिलेगा 5। और अकॉर्डिंग टू दिस जो वर्क डन आपको मिलेगा, वो वर्क डन आपको मिलेगा 25 joules। तो कितना वर्क डन मिल गया आपको इस केस में? 25 joule। और आपको इस वैल्यू को देखने से साफ पता लग रहा है दैट दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन है ये? पॉजिटिव वर्क डन है। तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 degree है तो भी आपको वर्क डन कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो आपने देखा कि जब थीटा की वैल्यू 0 degree थी तो भी आपको वर्क डन पॉजिटिव मिला, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू 45 degree हो तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 30 degree हो तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 60 degree हो, इसकी भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पर जैसे ही वैल्यू बढ़ते 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 90 degree हो जाए तो वैल्यू आपको पॉजिटिव नहीं मिलती, मतलब वैल्यू आपको वर्क डन की फिर क्या मिलना शुरू हो जाती है? 0 वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। मतलब आपको 0 से शुरू होना तो है, पर आपको बढ़ते बढ़ते 90 degree तक नहीं पहुँचना। कब नहीं पहुँचना? वेन यू वॉन्ट टू गेट द पॉजिटिव वर्क डन। अगर आपको पॉजिटिव वर्क डन चाहिए तो दैट मीन्स फॉर द पॉजिटिव वर्क डन द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 degree। थीटा की वैल्यू 0 degree के या तो इक्वल होनी चाहिए तो भी आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा, और अगर थीटा की वैल्यू 0 degree से ज़्यादा है तो भी आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा, इज इट ओके? बट दिस वैल्यू ऑफ थीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन 90 degree, लेस देन 90 degree एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 degree। फॉर दिस रेंज ऑफ थीटा यू विल गेट द पॉजिटिव वर्क डन। आपको थीटा की इस रेंज के लिए वर्क डन कैसा मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव। मतलब बच्चा इस एंगल पर खींचे 60 degree पे तो भी पॉजिटिव, थोड़ा नीचे आ जाए 30 degree पे तो भी पॉजिटिव, थोड़ा और ऊपर चले जाए 80 degree पर तो भी पॉजिटिव, पर जैसे ही 90 degree हो जाएगा वैसे ही वर्क डन पॉजिटिव
नहीं रहेगा. इज इट ओके? तो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, देन वी विल लर्न द केसेस ऑफ जीरो वर्क डन. हम फिर जीरो वर्क डन पढ़ेंगे. ओके okay? हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा. मैं बार बार याद दिलाती हूँ आपको, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें, ये काम आपको करना होता है. पॉजिटिव वर्क डन हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं. पॉजिटिव वर्क डन आपको कब कब मिल सकता है, पॉजिटिव वर्क डन के सारे केसेस आपको समझ में आ गए हैं. और अब हम थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क डन यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दिस इज ज़ीरो वर्क डन. हम जीरो वर्क डन पढ़ने जा रहे हैं, तो सुनिएगा ध्यान से, जीरो वर्क डन आपको कैसे पढ़ना है. अब जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. जो सेकेंड वर्क डन हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज जीरो वर्क डन. ये जीरो वर्क डन क्या होता है, देखिएगा कब कब होता है. जीरो वर्क डन मिलने की दो कंडीशंस हैं, दो केसेस हैं जीरो वर्क डन की, दो पॉसिबिलिटीज हैं जीरो वर्क डन की. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जीरो वर्क डन की, व्हेन दिस थीटा इज 90 डिग्री, when the angle between force and displacement is of 90 degree, in that condition the work done is zero, because cos 90 degree is zero, and according to the formula of work done, w is equal to f into s into cos theta, w is equal to f into s into cos 90, and cos 90 is zero, so w is F into S into 0, and accordingly the work done will be 0. Now when it happens, ऐसा कब कब होता है जब ये वाली कंडीशन जो आपने लिखी है पूरी ये फॉलो होती है, तो सुनिएगा ध्यान से. मैंने आपको बोला कि यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक जैसे आप हमेशा करते हैं. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस वॉकिंग ऑन द रोड, देन वॉट वुड हैपन, वॉट वुड बी द वर्क डन. बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप वॉक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे आप इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज अप्लाइड ऑन योर बॉडी इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. इज इट ओके? तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री. और अगर ऐसा हुआ तो आपको जो वर्क डन है वो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. तो वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, देन व्हाट वुड हैपन, वॉकिंग ऑन द रोड, देन द वर्क डन, देन द वर्क डन बाय the force of gravitation is zero, then the work done by the force of gravitation is zero. Is it okay? So note it down, each and everything, this statement, this figure, and this complete numerical calculation. Is it okay? Each and everything, sab kuch note down karna hai aapko. हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. हम इस जीरो वर्क डन के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे, एज दिस जीरो वर्क डन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सुनते चले जाइएगा, समझते चले जाइएगा ध्यान से. जब आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन व्हाई द वर्क डन इज जीरो व्हाइल वी आर वॉकिंग बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो जितना आपको लिखवाया था, दैट थ्योरिकल स्टेटमेंट, another one, that diagram, and this complete, everything has to be there in the exams. Sab kuch likhna hota hai aapko. The second example is, when a donkey carrying a load on its back, is it okay? Donkey hai, is it okay? Aur donkey kya kar raha hai? Bahut sara load hai uske paas mein, carrying a heavy load on its back. Is it okay? तो बहुत सारे सामान को लेकर के अगर डोंकी जा रहा है,
then what would be the work done by the force of gravitation? Again, the same thing happens. For example, this is the direction of movement of the donkey, the displacement covered by the donkey, and the force of gravitation is again same in the vertically downward direction, and the angle between both of them is of 90 degree. So, according to the same condition, the same thing has to be written again and again, the work done will be zero. Is it okay? So, when a donkey carrying a load on its back, then the whole statement has to be written, then the work done, then the work done by force of gravitation, force of gravitation is zero. Is it okay? So, note down this example. Note down kar le aap ise. हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा. अब इसके साथ में हमें यहाँ पर कुछ और भी पढ़ना है. ज़ीरो वर्क डन के ही एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं और थोड़े और एग्जाम्पल्स हम लोग देखने जा रहे हैं. ज़ीरो वर्क डन के ही एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. ज़ीरो वर्क डन का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ. ये आपकी अर्थ है. And this is its satellite, its natural satellite, that is moon. और ये जो moon का revolution है earth के around, ये हम almost कौन से orbit में मानते हैं? Circular orbit में मानते हैं. And whenever we want to know the direction of motion of moon, then it is always tangential direction. अगर इस point पर आप moon के motion की direction जानना चाहेंगे, तो ये वाली direction है. और इस मून पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है अर्थ के थ्रू, विच इज नोन एज, दो फोर्स नाम दे रखे हैं इसको, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एज वेल एज इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्यूलर मोशन ऑफ द मून, राइट. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की. या फिर इसी फोर्स को एक नाम और दे रखा है, दैट दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स नाम देंगे आप दूसरा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई सा भी नाम दें आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है? 90 डिग्री. इज इट ओके? एंड अगेन द सेम थिंग हैपन्स. Because of this 90 degree, the value of work done will be zero. तो यहाँ पर भी work done कितना हो जाएगा? Zero हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे हम answer? The work done by, कौन सा force लिखेंगे? आप चाहें तो centripetal force लिखें, आप चाहें तो force of gravitation लिखें. The work done by centripetal force in revolving, in revolving the moon around the earth is zero. Is it okay? So, whenever this question is in the exam, then this diagram has to be drawn, this theoretical part has to be written, this numerical part again has to be mentioned. So, whenever a body is moving in the circular orbit, the work done by centripetal force is always equals to zero. Is it okay? Isko bhi note down kar le aap. Haan ji, isko note down karne ke baad mein, humne yahan par work done ko zero karne ka tarika number one complete kar liya hai. वर्क डन को जीरो करने का तरीका नंबर वन है, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 90 डिग्री. क्या कोई दूसरा तरीका भी है इस वर्क डन को जीरो करने का? बिल्कुल. इस वर्क डन को जीरो करने का एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है देखिएगा ध्यान से. वो तरीका है, दिस इज केस सेकेंड. आप जीरो वर्क डन का केस सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं. And according to this case second, अगर आप किसी body पर force लगा रहे हैं
और फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर उसके थ्रू कवर्ड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, इन दैट कंडीशन ऑल्सो द वर्क डन बाय द बॉडी और बाय द अप्लाइड फोर्स इज सेट टू बी जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप किसी वॉल पर फोर्स लगा रहे हो, पूरा फोर्स लगा रहे हो, आप अकेले नहीं, आप अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या आपके रूम की वॉल थोड़ी खिसक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? अपनी जगह पर ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो इस केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन यू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ योर रूम, क्या होगा आपके थ्रू किया गया वर्क डन? तो देखिएगा ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और फोर्स तो आप यहाँ पर बहुत सारा लगा रहे हैं, उसकी वजह से आप थक भी रहे हैं। अगर बात एंगल की जाए तो एंगल का डिस्कशन तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते, एज द वॉल इज नॉट एट ऑल गोइंग टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो दैट मीन्स यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इज इट ओके? तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी F इंटू जीरो इंटू कॉस थीटा, एंड इन दिस केस द वर्क डन इज जीरो। तो व्हेन दिस वर्क डन इज जीरो, जब भी आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, इज इट ओके? इफ नो डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द बॉडी देन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो वर्क डन। और भी एग्जाम्पल हैं क्या इसके? बिल्कुल और भी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी, जैसे अभी आप बैठे होंगे वीडियो देखने के लिए अपनी चेयर पर, आई होप। इज इट ओके? तो इन दैट कंडीशन मान लीजिए कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर प्लेस पर बैठे बैठे, इज इट ओके? और अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर दैट 2 to 3 hours स्टडी व्हाट विल बी द वर्क डन बाय यू अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, देन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द वर्क डन बाय यू विल बी जीरो। आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क डन विल बी जीरो। इज इट ओके? क्यों वर्क डन जीरो है? सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये है जी आपकी चेयर और ये आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आ गई बात समझ में? क्या आप पर कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, इज इट ओके? पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। एंड इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन द वर्क डन विल बी एफ इंटू जीरो इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स द वर्क डन विल बी जीरो। सो वेन एवर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज जीरो देन द वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। इज इट ओके? तो इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लांट्स हैं, है ना, दिन भर 4-5 घंटे धूप में अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, देन ऑल्सो द वर्क डन बाय द प्लांट्स इज जीरो। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ढेर सारा लगेज अपने हाथों में लेकर के खड़े हैं, है ना, आधे घंटे खड़े हैं, 1 घंटे खड़े हैं, बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय यू इज जीरो, सो दैट द वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो इन दैट केस अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आपके थ्रू किया गया वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। तो आपके बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो जीरो वर्क डन हमने कंप्लीट कर लिया है, और जीरो वर्क डन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क डन, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय एवरीवन।